हाय फ्रेंड्स, बहुत नारा कैसे हैं आप लोग? तेलुगु सीखने में अच्छा लग रहा है ना? तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है बिल्कुल बिगनर्स के लिए, जो शुरू शुरू सीख रहे हैं। बेसिक कोर्स को देखने के बाद अब लग रहा है कि एक स्टेप हमें आगे जाना चाहिए, उसके लिए है। यदि आपने महारत थोड़ी हासिल कर ली है तो फिर आपके लिए किसी काम का नहीं है। ये जो है ना, बिल्कुल शुरुआत में पहला स्टेप कैसा रखना है उसके लिए है। तो आज हम लोग आओ और जाओ, ये दो के बारे में बिल्कुल कमांड हासिल करेंगे, ठीक है? ये पहला स्टेप है। चलिए, जैसे फ्रेंड्स, यदि हमें कहना है आओ तो कम, जाओ तो गो, तो फ्रेंड्स अंग्रेजी में तो बहुत आसान है ना? कम और गो, बस हम कम और गो बोल के काम चला लेते हैं, बड़े हो या छोटे हो। लेकिन हिंदी में बड़ों के लिए आइए का प्रयोग करते हैं और जो छोटे और बराबर वाले रहेंगे उसे आओ का प्रयोग करते हैं ना। उसी प्रकार से गो के लिए जाओ और जाइए का प्रयोग करते हैं ना। उसी प्रकार से तेलुगु में आओ के लिए रा का प्रयोग करते हैं, रा, और आइए रंडी उसका प्रयोग करते हैं। जाओ के लिए वेल्लू ला। फ्रेंड्स, एक चीज हमें और जानना है, हमें ये जो ध्वनि है ला, ये वाली ध्वनि जो है ना हिंदी में नहीं है लेकिन तेलुगु में है ला। इसका प्रोनाउंस हमें कैसे करना है? ये हमारे जो मुंह है तो जीभ में, जब हमारा जीभ यहाँ जाता है तो ला का उच्चारण होता है, ला ला बोल के देखिए। लेकिन जीभ को जब हम यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे जो ध्वनि निकलेगी ला, उसे कहेंगे ला। इसका प्रयोग तेलुगु में किया जाता है, इस चीज को हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, जैसे जाओ के लिए वेल्लो वेल्लो, ये दोनों वही वाला ला है, ठीक है? वेल्लो हाफ ला रहेगा, फिर पूरा वेल्लो, फिर जाइए के लिए वेल्लंडी वेल्लंडी। तो फ्रेंड, जिस तरह से हम लोग ईए लगा देते हैं, ईए रिस्पेक्ट के लिए हम लोग ईए लगाते हैं, आओ आइए, उसी प्रकार से तेलुगु में रिस्पेक्ट के लिए एनडी लगा देते हैं, वेल्लु वेल्लंडी रा रंडी, एंडी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड, जैसे यू, यू मतलब तो तुम होता है या आप होता है अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में हम लोग बराबर वालों से या छोटों से तुम का प्रयोग करते हैं और बड़ों के लिए आप का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से तेलुगु में भी नुवो मतलब तुम, मीरो मतलब आप का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस फिगर को जो है ना आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए और देखिए आज हम लोग क्या कमाल करने वाले हैं, कितने तरह के वाक्य आज हम लोग बनाएंगे। लगभग आने जाने से संबंधित सभी वाक्य कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यदि हमें कहना है तुम आओ, ठीक है ना, तुम आओ, यदि हमें बोलना है तुम आओ तो तुम के लिए क्या था यहाँ पे? नुवो, तुम आओ, आओ के लिए रा, तो क्या हो जाएगा? नुवुरा, तुम आओ नुवुरा, कितना आसान है, देखिए नुवुरा, तुम आओ नुवुरा, ठीक है? उसी प्रकार से हमें कहना है आप आइए, आपके लिए क्या था? मीरु, आपके लिए मीरु, देखिए यहाँ पे आपके लिए मीरु, आइए के लिए रंडी, तो क्या हो जाएगा? मीरु रंडी, देखिए आप आइए मीरू रंडी, कितना आसान है फ्रेंड्स। देखिए, बस इस फिगर को बिल्कुल ध्यान में रखे रहिए, ठीक है? मीरू रंडी, आप आइए नुहुरा, तुम आओ, ठीक है? यदि हमें कहना है कि तुम जो हो अंदर आओ, यदि हमें बोलना है तुम जो हो अंदर आओ तो हमें अंदर का मतलब जानना पड़ेगा, तो अंदर को कहते हैं लौपल लौपल लौपल, अंदर आओ लौपल की लौपल की। फिर वहां पे देखिए, बस हमें एक शब्द सीखना है अंदर के लिए, लौपल लौपल की माने अंदर, ये हो गया अंदर के लिए, ठीक है? अंदर, यदि हमें कहना है तुम अंदर आओ तो क्या बोलेंगे? नुहु लौपल की रा, नुहु लौपल की रा, तुम अंदर आओ। यदि हमें कहना है आप अंदर आइए तो क्या बोलेंगे? मीरु लौपल की रंडी, मीरु लौपल की रंडी, है ना कितना आसान? देखिए, मीरु आप लौपल की अंदर रंडी आइए। उसी प्रकार यदि हमें कहना है यहाँ, यहाँ के लिए क्या बोलते हैं? यहाँ को कहते हैं इकड़ा, यहाँ के लिए बोलते हैं इकड़ा, या फिर इला भी बोलते हैं फ्रेंड्स, इला इला मतलब यहाँ, ये यह हो गया यहाँ के लिए, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, यहाँ के लिए हो गया, ठीक है? यदि हमें कहना है तुम यहाँ आओ तो क्या बोलेंगे? नुवो
ఇలా రా నువ్వు ఇలా రా या नुवो इकड़ा रा फ्रेंड्स एक और बात फ्रेंड्स अभी जो है ना जो यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी पे अच्छी तरह से कमांड पाना चाह रहे हैं ठीक है ना क्योंकि हिंदी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स हिंदी से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं तो फ्रेंड्स आप जो है ना हिंदी से संबंधित वीडियो दीपास क्लास में डाली जा रही है तो फ्रेंड्स दीपास क्लास पे एक बार आप जरूर विजिट करें यदि उस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो कोई भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो उसे जो है ना उस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी उसके बारे में जाने उसमें फ्रेंड्स संधि समास प्रयोजन मूलक हिंदी तरह तरह के वीडियो तद्भव तत्सम लिंग वचन तरह तरह के वीडियो उसमें डाले गए फ्रेंड्स और ये मेरा दावा है कि यदि एक बार आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर दोबारा आपको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस तरह से उसमें महीने के साथ बिल्कुल विस्तार के साथ इस तरह से समझाया गया है तो फ्रेंड्स जिस तरह से आपने अपना प्यार इस चैनल को दिया है दीपास क्लास को भी एक बार दीजिए फ्रेंड्स और हिंदी की जानकारी जितना ज्यादा हो सके फ्रेंड्स हिंदी की जानकारी अर्जित करिए क्योंकि हिंदी की जानकारी जो है फ्रेंड्स हमारा देश का हमारा एक अपना अलग ही गौरव है तो हिंदी तो जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसे तो जानना ही चाहिए और जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो वैसे भी हिंदी हमारी गर्व की भाषा है हिंदी हमारी अपनी मातृभाषा है हिंदी हमारे देश की भाषा है तो उस पर तो हमें कमांड पाना ही चाहिए तो फ्रेंड्स उस चैनल को भी ऐसा ही प्यार दीजिए जैसा अब तक से आपने इस चैनल को दिया है ठीक है चलिए आगे देखते हैं इकड़ा या इला यहाँ के लिए हो गया यदि तो हमें कहना है तुम यहाँ आओ तो क्या बोलेंगे नुवो इला रा या फिर नुवो इकड़ा रा तुम यहाँ आओ है ना बिल्कुल आसान यदि हमें बोलना है आप यहाँ आइए तो फिर क्या बोलेंगे मीरु तो मीरु इला रंडी मीरु इकड़ा रंडी देखिए बिल्कुल आसान है मीरु इला रंडी नुवो इला रा कितना आसान है ना इला भी बोल सकते हैं इकड़ा भी बोल सकते हैं ठीक है तो उसी प्रकार फ्रेंड्स अब जाओ के लिए देखते हैं ठीक है जैसे हमें कहना है तुम जाओ तो क्या बोलेंगे नुहु वेल्लू तुम जाओ नुहु वेल्लू तुम जाओ ये देखिए यहाँ से नुहु वेल्लू तुम जाओ और यदि बड़े को बोलना है तो आप जाइए बोलना है तो मेरू वेलंडी आप जाइए मेरू वेलंडी आप जाइए यदि हमें बोलना है आप बाहर जाइए मतलब जाना है तो कहीं भेजना है ना तो बाहर को बोलते हैं बैठा बैठा मतलब बैठक बैठक तो फिर क्या बोलेंगे आप बाहर जाइए मेरु बैठक वेलंडी आप बाहर जाइए मेरु बैठक वेलंडी या फिर तुम के साथ बोलना है तो फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर इधर बैठक लिख देंगे ठीक है ना बैठक ही तो फिर क्या बोलेंगे नुवु बैठक वेल्लू नुवु बैठक वेल्लू तुम बाहर जाओ है ना आसान बस इसी फिगर को फ्रेंड्स हमें ध्यान में रखना है नुवु बैठक वेल्लू तुम बाहर जाओ हो गया ना यदि हमें बोलना है तुम वहां जाओ वहां तो वहां के लिए क्या बोलते हैं वहां को बोलते हैं अकड़ा 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 मतलब वहां होता है ठीक है यदि हमें कहना है तुम वहां जाओ तो क्या बोलेंगे नुवो नुवो फिर अकड़ा नुवो फिर यहां भी लिख देती हूँ फिर ठीक है ना नुवो अकड़ा वेल्लू नुवो अकड़ा वेल्लू तुम वहां जाओ यदि बड़ों को बोलना है मेरो अकड़ा वेल्लंडी आप वहां जाइए मेरो अकड़ा वेल्लंडी आप वहां जाइए बैठा वेल्लंडी बाहर जाइए अकड़ा वेल्लंडी वहां जाइए ठीक है ना यदि उन्हें बोलना है आप यहां जाइए आप यहां जाइए तो यहां पर क्या बोली थी इकड़ा सेम इकड़ा मेरो इकड़ा वेल्लंडी आप यहां जाइए मेरो अकड़ा वेल्लंडी आप वहां जाइए मेरो इकड़ा यहां अकड़ा वहां ठीक है तो यदि हमें बोलना है तुम यहां जाओ नुहु इकड़ा वेल्लू तुम वहां जाओ ठीक है बहुत आसान है फ्रेंड्स देखिए यदि हमें बोलना है यहां देखिए उसी को बस लिखा हुआ है तुम बाहर जाओ नुहु बैठ के वेल्लू यदि बड़े रहेंगे तो मेरो बैठ के वेल्लंडी बाहर बैठा वहां के लिए अकड़ा तुम जाओ नुहु वेल्लू मेरु वेल्लंडी बड़े रहेंगे तो तुम यहाँ आओ नुहु इलारा मेरु इला रंडी आप यहाँ आइए मेरु इकड़ा रंडी आप यहाँ आइए लोपल अंदर यहाँ इकड़ा तो फ्रेंड्स यदि हम दो चार चीज सीख लें दो चार चीज क्या अंदर बाहर लोपल की बैठक यहाँ इकड़ा वहां
आंकड़ा, यदि इतना जान ले तो आने जाने से संबंधित सभी बातें हम लोग कर सकते हैं। वेल्लो जाओ, मार्केट वेल्लो बाजार जाओ, ठीक है ना। इंट के वेल्लो घर जाओ, इंट किरा घर आओ, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। बस हमें ध्यान रखना है कि बड़ों से बातें कर रहे हैं या छोटों से बातें कर रहे हैं। बड़ों से बातें करेंगे तो उसके पीछे एंडी जरूर लगेगा, रा है तो रंडी, वेल्लू है तो वेलंडी, है ना फ्रेंड्स आसान। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये पहला स्टेप बहुत आसान लग रहा होगा और उसके बाद जो है ना आने और जाने से संबंधित जो भी आपको प्रयोग करना है बहुत आसानी से आप प्रयोग कर लेंगे ना। तो अगले वीडियो में फिर किसी ऐसे ही बहुत ही यूजफुल टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।